हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई वेलकम यू इन दिस स्टडी आई क्यूज द हिंदू एनालिसिस वीडियो. सुबह वीडियोज आते हैं, संडे का सेशन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो डेटा है वो हम डिस्कस करेंगे. और चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे. जो आप कुछ कर रहे हैं वो करते जाइए, बस मोटिवेट रहिए, लगातार आपकी एनर्जी बनी रहे, कंसिस्टेंट आप बने रहें, ये आपका मेन एम होना चाहिए. ठीक है, ये पेन ड्राइव कोर्सेज स्टडी आई क्यू के जो आपकी हेल्प करेंगे इस सक्सेस के अंदर. और जो भी आपके अंदर डेडिकेशन है वो करते जाइए, अपनी जो लिमिट्स हैं उनको पुश कीजिए. और कैसे होगा, चीज़ें बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो एकदम स्मॉल स्टेप लीजिए, फिर उन स्टेप्स को रिपीट कीजिए, फिर धीरे धीरे हिम्मत आएगी, फिर थोड़ा सा और बड़ा स्टेप लीजिए, फिर और बड़ा स्टेप लीजिए, फिर और उसको कंसिस्टेंट रखिए. ऐसे करते करते, थोड़ा थोड़ा करते करते सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए. कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो जो प्रोग्रेस आपने की है वो फिर जीरो हो जाती है, उसके बाद दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ता है. इसलिए चाहे थोड़ा ही कीजिए लेकिन लगातार कीजिए, ताकि आप पीछे नहीं जाएं, आगे जाएं हमेशा. हम सोचते नहीं है कई बार अपने इस गोल्स के बारे में, अपनी कैपेसिटीज के बारे में. इंसान में बहुत कैपेसिटी होती है. इंसान की बॉडी की बात करें तो ऐसे बोलते हैं कि इंडिया में जो इंसान की जो बॉडी होती है उसके अंदर आधे से ज़्यादा जो ऑर्गन्स हैं और जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो निकाल भी ले जाए तो भी इंसान जी लेता है. तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इंसान के अंदर होती है, बस ज़रूरत है उसको रियलाइज़ करने की कैपेसिटी को, और उसको अपनी क्षमताओं को याद रखने की. और इन सब के अंदर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो, उससे बाहर नहीं निकल पाते हो. उससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ विजन चाहिए एक बड़ा. और अपनी शक्ति भी आपको कब याद आएगी? जब आप उसके लिए एक रियलाइजेशन कर पाओगे, हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ. लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं और उस दिन हमें देख के लगता है, अरे यार ये काम तो हम भी कर सकते थे, हमने बस इतनी गलतियाँ की, इस टाइम के अंदर हमने इस तरह से टाइम खराब कर दिया. और लगातार हम लगे नहीं रहे उस टाइम पर. जब हम लगे रहते उस टाइम पर, जब हम कुछ कर सकते थे, तब हमने कभी कोई चीज़ के बारे में सोचा, कभी अपने हेल्थ के बारे में सोचा, कभी हमने कोई और कोई अट्रैक्शन आया उसमें टाइम खराब कर दिया, या फिर किसी प्रेशर में हम रहे और कोई अननेसेसरी चीज़ों के अंदर टाइम खराब कर दिया उसी टाइम पर. और कुछ लोग जो हैं वो लगे रहते हैं उस प्रैक्टिस में, लगे रहते हैं और ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल काम कर जाते हैं तो सोच भी नहीं सकते हैं. एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हैं, आइंस्टाइन का लीजिए. वो इतना कंसिस्टेंट और अपने काम में इतने बिजी थे, उन्होंने कभी अपने बाल भी नहीं बनाए थे, वो कभी सॉक्स नहीं पहनते थे. वो प्रेसिडेंट से मिलने गए थे रीगन से, तब भी वो सॉक्स नहीं पहन के गए जूतों में, ऐसे बस ऐसे चले गए थे, क्योंकि उस इंसान के लिए वो दिखावा, वो चीज़ जो थी, जो प्रेशर दुनिया नॉर्मली लोग लेते हैं कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, मैं कैसा लोगों को बिहेव कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सब नहीं सोचते थे. वो इतना और ऐसा इंटेलिजेंट, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी ही ऐसा सोच सकता है कि ये अननेसेसरी की चीज़ें हैं, जो काम वो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है. उसका बस वो ध्यान रखता था और वो उसमें इंटरेस्टेड था, उसके अंदर उसको अचीवमेंट करना था, वो रियल एक इनपुट था, रियल एक अचीवमेंट था, वो बस उसी में लगा रहा और वो दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान बना था भी और बना भी. उसने प्रैक्टिस से ही बना, कोई बचपन से नहीं होके आया था, वो बना प्रैक्टिस से. और कई बार वो फेल भी हुआ था और ऐसे ऐसे लोगों ने उसको डिक्लाइन भी किया था, लेकिन फिर भी वो लगा रहा अपने काम में. उसके अंदर ईमानदारी थी उसके काम के अंदर, और उसके अंदर कोई डर भी नहीं था उसके अंदर. जब ईमानदारी होती है तो डर नहीं होना चाहिए. एक बार आप परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि वो अपने आप संभालेगा, आप ईमानदारी से काम कीजिए. ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में. फेलिक्स बॉमगार्टनर है, 2012 में ये स्पेस से कूद गए थे. आप देखिए ये अर्थ दिख रही है नीचे, स्पेस से कूद गया था ये आदमी 2012 में. आप सोचिए हम छोटे से काम में कितना डर जाते हैं, कितनी प्रेशर ले लेते हैं, ये कैसे होगा क्या नहीं होगा. दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो लिमिट से नहीं जानते थे. मतलब वहां पर आप थोड़ी सी हाइट के ऊपर जाके नीचे देखोगे तो कितना डर लगता है लोगों को. ये स्पेस में गया अर्थ से ऊपर, जहां इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि मतलब बीच में जेट वेव चलती हैं, विंड चलती हैं, वो पता नहीं आपको कहाँ ले जाए दुनिया में, कौन से ओशन के अंदर, कौन से जंगल के अंदर, पता नहीं कहाँ छोड़ दे ले जाके, कितने टुकड़े आपकी बॉडी के हों, कहाँ आप क्रैश कर जाओ पूरा सिस्टम आपका, वो इतने डर होते हैं. लेकिन ये आदमी इतनी कैलकुलेशन और ये सब होने के बावजूद, हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसने वो हिम्मत दिखाई और वो स्पेस से कूद गया. ये फ्री फॉल था दुनिया का सबसे बड़ा. आप सोचिए क्या लेवल रहा होगा हिम्मत का, और क्या इसने कभी ऐसा सोचा होगा कि हाँ मैं ये इस तरह से ये चीज़ पालूँ, मैं इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर लूँ, ऐसा कभी नहीं सोचा. अपना बस उस कैपेसिटी के ऊपर ध्यान दिया, और जब कैपेसिटी पर इंसान ध्यान देता है तो उसमें हिम्मत बढ़ती है हमेशा, क्योंकि उस टाइम पर नेगेटिविटी नहीं होती है, उस टाइम पर वो पॉजिटिव होता है अपनी कैपेसिटीज़ के लिए. एलेक्स नियो थे, ये रशिया के थे, इससे पहले यूरी गागरिन गए थे स्पेस के अंदर. सोचिए कोई इंसान जब स्पेस में गया होगा तो उसको मतलब अगर उसने सोचा भी होगा, एक बार भी वो सोच लेता तो वो डर जाता, क्योंकि
पता नहीं क्या चीज़ है, स्पेस है कि नहीं है, बाहर जाएंगे धरती से ऊपर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या चीज़ होती है, थोड़े से छोटे से एक एरिया में बंद रह के और हम कहाँ जाएंगे। ये एलेक्स लियोनोव जो थे, देखिए ओल्ड एज में फोटो खींची हुई थी, मतलब जिंदा थे ये इतने साल तक, 30 साल की एज में पहला स्पेस वॉक किया था। स्पेस वॉक क्या चीज़ होती थी, स्पेस वॉक मतलब स्पेस क्राफ्ट से भी बाहर निकल के और स्पेस में, पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, कौन सा जो है प्लैनेट उनको सक कर लेगा, कौन सा स्टार कहाँ खींच लेगा, कोई क्या क्या चीज़ होती है स्पेस में, कुछ भी पता नहीं होता, इतना खतरनाक रेडिएशन होता है, और एक कदम रखेंगे तो उसके अगले ही पल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इतनी अनसर्टेनिटीज, इतना डर, इतना सब कुछ कंडीशंस में भी, और लोग कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बस नेक्स्ट स्टेप उठाने की सोचते हैं, वो फियर की नहीं सोचते हैं, वो बस ये सोचते हैं कि मेरे में हिम्मत है और मैं लगा रहा हूं। और ऐसे करके इंसान अपनी कमियों को भी जीत लेता है, अपनी क्वालिटीज को प्रैक्टिस जब इंसान करता है तो अपनी कमियों को भी वो इग्नोर कर देता है उस टाइम पर। इग्नोर नहीं मतलब उसका प्रेशर नहीं लेता है। ब्लाइंड सेलर ने नॉन स्टॉप पैसिफिक वॉयज कर लिया है, आज के न्यूज़पेपर में आया है ये, मित्सुहिरो लोमाटो है, फेल भी हुए पहले लेकिन दोबारा से ब्लाइंड है, पूरे ब्लाइंड। सोचिए ब्लाइंड क्या होता है, एक दिन के लिए आप अपनी आंखें बंद करके पूरा दिन बताइए, आपको पता लगेगा कि ब्लाइंड इंसान की लाइफ क्या होती है। सब कुछ हम देखते हैं दुनिया में, देखते हैं और देख के हमें रियलाइज होता है कि हाँ हम जी रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ। ब्लाइंड लोगों की लाइफ में आंखें ही बंद है तो वो कैसे जीते, ब्लैंक में लाइफ जी रहे हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, छूते हैं चीज़ों को, बस इस चीज़ से वो लाइफ जी रहे हैं। और वो ब्लाइंड आदमी पूरा पैसिफिक ओशन, कितना दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, क्या क्या होता है ओशन में, ओशन में बीच में क्या क्या आ सकता है। पहले जब ये गए थे तो इनकी टकरा गई थी बोट, एक वेल्स भी आ गए थे रस्ते में, उससे भी टकरा गए थे, फिर ये डूब गई थी वेल, फिर भी बच गए। फिर उन्होंने इतना होने के बावजूद दोबारा हिम्मत दिखाई, डरे नहीं उस चीज़ से, और अब पैसिफिक का पूरा वॉयज कर लिया, मतलब पूरा पार कर लिया उसको। सोचिए इन लोगों की हिम्मत क्या होती है। और हम कहाँ अपनी छोटी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम है, इसमें इतना मेहनत नहीं हम कर पाए, और इतना कॉम्पिटिशन है, इतना ये है, कुछ नहीं होता है, कैसी कैसी बातें हम सुनते हैं। लोग कैसे कैसे काम कर जाते हैं दुनिया में, ये भी लोग ही हैं, ये कोई अलग से कोई कैपेसिटी लेके नहीं आए, लेकिन बस इन्होंने अपनी उस कैपेसिटी पर काम किया, उस पर प्रैक्टिस की, और उस टाइम पर अपनी फेलियर्स का, अपनी कमियों का प्रेशर नहीं लिया, उस बस उस चीज़ को प्रैक्टिस किया और फिर उसमें सफल भी हो गए। तो बात ये, जब लोग इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो आप ये जो एग्ज़ाम्स आपका करियर बनाना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप इस लेवल का थिंकिंग रखोगे, इस लेवल के ऊपर आप अपने आप को लेके जाओगे, कंपैरिजन नहीं होता वहाँ पर, वहाँ पर होता है बस अचीव करने के लिए, अब एक मेहनत करना, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने के लिए हिम्मत रखना, वो हिम्मत आप रखोगे तो ये चीज़ तो बहुत छोटी है। आपको याद होगा ना 3 इडियट्स का डायलॉग, परफेक्शन के पीछे जाओगे सक्सेस अपने पीछे पीछे आएगी, तो वो अपने आप आती है। ये परफेक्शन वाली बातें हैं कि यहाँ पर प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पर वो डर्टी कंपैरिजन नहीं होता है, वो बस अपनी कैपेसिटीज पर लगातार काम करने के लिए हिम्मत है कि आप करते जाओगे नेक्स्ट स्टेप, और डेयरिंग स्टेप उठाओगे, और डेयरिंग स्टेप। दुनिया आपको बोलती है आप नई स्टेट पीसेस पास कर सकते हैं, आप यूपीएससी का टारगेट बनाओ, अब वो बात करिए, वो नहीं कर सकते आप और बड़ा टारगेट बनाइए, ऐसे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि पहले बस ये देखिए कि चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बाद ईमानदार हो जाइए पूरा अपने लिए। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, अपने लिए ईमानदार होइए, लगातार मेहनत कीजिए। अगर उसमें कोई ना कोई अगर गफला है, अगर आप मेहनत आपको करनी है और उस टाइम पर आप सोच रहे हो कि यार मैं 1 घंटा सो लेता हूँ, या फिर मैं आज जल्दी सो जाता हूँ कल से मैं कर लूँगा, तो मतलब आप अपने लिए ईमानदार नहीं हो, आप धोखा दे रहे हो अपने ही आपको। बड़े गोल्स आप बनाते हो उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो ईमानदारी ही सक्सेसफुल बनाती है आपको, तो ईमानदार रहिए अपने लिए, ठीक है। तो ये इससे बड़ी कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हो और इम्प्लीमेंट कर पाते हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं भी कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ ये सब चीज़ें परफेक्ट तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं बता जरूर सकता हूँ कि हो सकता है आप में से 1000 में से 100 में से 5 लोग भी ऐसा कर पाएं तो वो बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन एक बार इंसान को रियलाइज़ कराना ज़रूरी है, अगर किसी में कैपेसिटी होगी तो वो आगे निकल जाएगा, ये नहीं होगा कि उसको किसी ने बताया नहीं था। अब आगे चलते हैं, ये वर्ड्स मुझे मिले हैं एक दो ही थे आज, एक कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। बायोमार्कर, देखिए बायोमार्कर क्या होते हैं, कोई चीज़ है बॉडी के अंदर, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, कोई चीज़ अगर नई हो रही है, जैसे मान लीजिए लिम्फ नोड्स हैं हमारे बॉडी में, एक तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है जो आर्टरीज और वीन्स होती हैं, एक होता है लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम भी वैसा ही वेसल्स का सिस्टम होता है, लेकिन उसके अंदर कोई हार्ट नहीं होता है, तो वो बॉडी के मूवमेंट से ही वो लिम्फ जो है ऊपर नीचे मूव करता है या फिर साइड में कैसे भी मूव करता है। उसका मेन काम होता है जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उसको वो छानता है, और वो जो वायरस बैक्टीरिया कुछ भी ऐसा उसको मिलता है या कुछ भी इन्फेक्शन है वो उसको अपने नोड्स में फंसा के रख लेता है, बाकी दोबारा से वो ब्लड को अलग कर देता है वहाँ से। तो इन्फेक्शंस को मेनली करने का काम होता है इसका, लिम्फ का, और इसमें जो इम्यूनिटी वाली सेल्स होती हैं। अब जो नोड्स वगैरह होती हैं इसके अंदर, कई बार उनके अंदर इन्फेक्शन से या किसी और रीजन से और कैंसर हो जाता है, और लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है, लिम्फोमा आपने नाम सुना होगा, वो कैंसर होता है। अब इसमें ये इन्होंने ढूंढा है कि जो मेटास्टेसिस होता है, मेटास्टेसिस क्या है कि
कि मेटास्टेसिस जब होता है, जब एक तो नॉर्मल ट्यूमर होता है लेकिन जब उसके अंदर क्या होता है लंबे टाइम के बाद में उसमें ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स ये सब एंटर कर जाते हैं और वो फिर फैलने लग जाता है पूरी बॉडी के अंदर, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, तो वो मेटास्टेसिस है, मतलब फैलने लग गया बॉडी के अंदर वो कैंसर। तो मेटास्टेसिस जब होता है उसके टाइम पर कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर मिल जाती हैं वहाँ पर, और उनको बायोमार्कर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मार्क कर रहे हैं, मार्क छोड़ रहे हैं कि हाँ आपकी बॉडी में कैंसर है। तो ये बायोमार्कर फाउंड हुआ है लिम्फ नोड के ओरल कैंसर के लिए, तो वो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो आपसे मेटास्टेसिस पूछ सकते हैं और टी सेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, लिम्फ सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन जो हैं वो आजकल माइक्रोबायोलॉजी दे रही है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जो एकदम बेसिक स्केल के ऊपर लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये भी वही चीज़ है कि कंसिस्टेंटली आपने और ढूंढा है और उसको एनालाइज किया और अंदर गए हैं और ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद में आप वहां तक पहुंचे हैं। और देखिए हेल्थ के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में सिर्फ सच यूज़ आता है और तभी हेल्प मिलती है। आप देखिए कोई इंसान ये बोले कि मतलब वो झूठी कोई उसके अंदर रिपोर्ट पेश कर दे या फिर कोई झूठ मूठ में बोल दे कि मुझे ये केमिकल मिल गया है, तो क्या वो सही में इलाज दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। तो दुनिया में ट्रूथ ही हेल्प करता है, वही सोल्यूशन दे सकता है। और आप कंपेयर कीजिए सिचुएशन को पॉलिटिक्स से, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक टास्क है, उसमें एक एक स्टेप में ट्रूथ चाहिए। अगर ट्रूथ है उसके अंदर, आपकी एक्सपेरिमेंट सही है, आपने सही मॉलिक्यूल फाइंड किया है, आपको सही प्रोसेस मिला है, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वो चीज़ सच है और इसीलिए वो सही रिसर्च की तरफ जाता है, उसका सही रिजल्ट आता है, फिर आप वो ड्रग बना पाओगे जो काम कर रही बॉडी के ऊपर। अब उसके अंदर कोई झूठ मिला दोगे आप तो वो काम थोड़ी करेगी आपकी बॉडी के ऊपर। ऐसा ही देखिए पॉलिटिक्स में भी हो रहा है, लोग ईमानदार ही नहीं हैं, लोग जो सिस्टम बनाया गया है उसके अंदर बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। और तो फिर हमारे देश में गरीबी दूर कहाँ से होगी? हमारे देश में साइंटिफिक टेंपर की बात क्यों की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? क्योंकि इसलिए, क्योंकि साइंटिफिक टेंपर कोई स्ट्रीम नहीं है जिसको आप अप्रिशिएट करो या फिर कोई मतलब पर्टिकुलर सेक्ट नहीं है जिसको फॉलो करो, वो एक सही तरीका है जिससे हम इवॉल्व हो सकते हैं एज अ ह्यूमंस, इसलिए उसको हमें करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रूथ चाहिए। लेकिन ट्रूथ को ही सबसे ज़्यादा डिस्टोर्ट किया जा रहा है आज के दिन, आप देखिए। और ऐसे लोग हम क्यों चुन रहे हैं? दिक्कत लोगों के साथ है। लोग जो हैं चढ़ावा हजारों करोड़ों रुपए का दे देते हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, बाबा हैं, उनके ऊपर चढ़ा देते हैं उसकी बजाय, और जो पैसा है वो लाखों करोड़ों रुपए, वो अगर इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर मेडिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट जो लैब्स हैं इस देश के अंदर उनको पैसा जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी जो बिल्कुल स्टार्ट किया गया था, बूम आया था 10-12 साल पहले और उसके बाद कैसा ठंडे बस्ते में चला गया, जिन कॉलेजेस के अंदर वो सब्जेक्ट बंद कर दिया गया ये बोल के कि ये इंटरेस्टेड नहीं है लोग इसके अंदर, और कोई ज़्यादा इसके अंदर हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है हमारे पास लैब्स लगाने के लिए, तो मजाक देखिए। बायोटेक्नोलॉजी सबसे स्पेसिफिक फील्ड दुनिया का है, सारे सॉल्यूशन देता है, लेकिन उसको कोर्सेज से ही हटा लिया गया। तो ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से रहा है, और मैं जानता हूँ उसकी क्या गति हमारे देश ने की है। जो उसके हेड थे उस टाइम पर, जो बायोटेक्नोलॉजी की रेगुलेटरी एजेंसी है, उनको पता ही नहीं है बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो ये हालत है, मतलब यहाँ से हमें आगे जाना है, ऊपर जाना है। सुपर पावर बातों से नहीं बन जाएंगे हम, सुपर पावर बनने के लिए हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ट्रूथ। ट्रूथ चाहिए हमें, ट्रूथ हर इंसान के पास पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? मीडिया से पहुंचेगा। मीडिया क्या बोलता है? ट्रूथ देता है आपको? नहीं, वो डिस्टॉर्शन में लगा रखा है। जब कोई मान लीजिए एक गांव से जब शहर बनता है तो लोग क्या करते हैं? लोग कुछ गलत आदतों को छोड़ते हैं, कुछ जहां वो बेवकूफ़ बन रहे हैं अंधविश्वास उनको छोड़ के वो शहर में जाते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस में आते हैं, वो अपना सुधारते हैं जीवन को और कुछ रूटीन बनाते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर वो डेली मतलब हार्डवर्क करते हैं और ईमानदारी से अपना जिंदगी जीते, तभी वो अपलिफ्टमेंट होता है उनके लाइफ का। तो उसमें जब ये देखता है कि गांव में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल टाइम खराब करते रहते हैं, बेवकूफ़ी बातें करते हैं, अंधविश्वास में फंसे पड़े हैं और वो उन्हीं चक्करों में फंस के रह जाते हैं, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पा रहे, उसको समझ में आता है। ऐसे ही देश की हालत होती है, जब वो गरीब देश से अमीर देश की तरफ बनने लग जाता है, प्रोग्रेस करता है, तो साइंटिफिक टेंपर को, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करता है और वो उन बातों को जो बेवकूफ़ी की बातें होती हैं, अंधविश्वास की बातें होती हैं, उनको पीछे छोड़ता है और उसको अप्रिशिएट करता है, इसलिए वो आगे जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन वहाँ से मिलेगा, चीज़ें आसान वहाँ से होंगी, सपोर्ट वहाँ से मिलेगा। लेकिन हमारा देश किस तरफ जा रहा है? हमारा देश तो उल्टा जा रहा है, हम मिडिवल टाइम में जा रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद की बातों में घुस रहे हैं, और हम जो हैं मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो सोर्सेज हैं जो पब्लिक को अवेयर करने के, वहाँ पर साइंटिफिक टेंपर की बात ना होके कौन सी बात हो रही है? इस
इन चीज़ों में हमें फंसाया जा रहा है कि हम और बैकवर्ड जाएंगे, पीछे जाएंगे उल्टा। तो ये जो दिक्कत है ये समझनी पड़ेगी, एक कलेक्टिव मिस्टेक है जो हमारी सोसाइटी कर रही है। हम इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो हमें बैकवर्ड लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। एक से कार्टून भरे पड़े हमारे पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेंगे हमारे देश के अंदर साइंटिफिक चीज़ों को अप्रिसिएशन मिलेगा या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अप्रिसिएशन मिलेगा। ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, ये डिसाइड करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, ये डिसाइड करेंगे नेता, इसलिए उनकी बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो रही है अथॉरिटी, वहाँ पर ही लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वहाँ पर ही लोग मतलब जो है इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को इस तरह से लीड कर रहे हैं, तो फिर देश जाएगा कहाँ, कहाँ से अप्रिशिएट होगा। इसरो ने जैसे मैंने कल बताया था एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया, संवाद विद स्टूडेंट्स, लेकिन लिमिटेड सोर्सेज हैं तो वो बेचारे उतना ही जितना कर पाते हैं। कुछ बच्चों को उन्होंने बुलाया है, 40 बच्चों को बुलाया है, 10 टीचर्स को बुलाया है, उनको वो कोशिश कर रहे हैं, जहां उनके पास कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो लाखों लोगों के लिए समर कैंप लगा सके, लाखों स्टूडेंट्स के लिए लगा सके, ताकि वो जो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो इन चीज़ों के अंदर जाएंगे, यहाँ अप्रिशिएट करेंगे। अब जब किसी को कैंसर होता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है उसको लेके, अब जो इंसान बाबा के पास पहुंच गया उसकी डेथ तो पक्की है। तो जितने भी नेता हैं उनको भी जब बीमारियां होती है तो वो अमेरिका भागते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में लैब्स के अंदर सपोर्ट ही नहीं है, यहां पर वो ही नहीं हो पाता है। जबकि क्या पैसे की कमी है हमारे पास? नहीं, हमारे पास हजारों करोड़ रुपए हैं मूर्तियां लगाने के लिए, हमारे पास हजारों करोड़ रुपए हैं इलेक्शंस के लिए फंडिंग देने के लिए और नॉनसेंस बातें करने के लिए। रैलीज क्यों होती है इस देश के अंदर, आप सोचिए, वही चीज़। और एडवांस्ड दुनिया है, मीडिया है, आप टीवी के ऊपर डिबेट कर सकते हो, पीसफुल डिबेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप सोचो कैसे कैसे मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब इतनी बड़ी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं रैलियों के अंदर, वो क्यों हो रहा है? एडवर्टीजमेंट देखिए, आप नेता की शक्ल दिखा रहे हैं, क्या होगा उससे, वो होगा क्या उससे, मतलब क्या सोच रहे हो? क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश में बेवकूफ़ लोग रहते हैं और वो ये नहीं सोचेंगे कि लॉजिक क्या है, क्या साइंटिफिक टेंपर है, किधर जाना चाहिए देश को, क्या उसकी ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए। बस किसी ने इंटरेस्टिंग बातें कर ली तो फिर जाके टिका है अंगूठा। अब बात ये है कि ये नेगेटिविटी नहीं है, ये एक दिक्कत है जो कोई बाहर का कोई एडवांस्ड आदमी अगर आके यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा तो वो हंसेगा कि ये क्या है, इस देश के अंदर किस तरह से जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं इसरो का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पॉजिटिविटी की बात देखिए, इसरो का एग्जाम्पल देखिए, CSIR का एग्जाम्पल देखिए, और जो मेडिकल साइंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो हम करते हैं, ये हैं पॉजिटिविटी, ये हैं हमारे एग्जांपल्स कि कहाँ हम पहुँच रहे हैं। हम मार्स तक वहाँ पहुँच गए, क्या हम मार्स तक पहुँच सकते थे हमारे किसी मतलब कन्वेंशनल सिस्टम से या फिर किसी मतलब रिलीजियस डिबेट से हम वहाँ तक पहुँच सकते थे? नहीं, बातों से तो बहुत कुछ पहुँच सकते थे हम, लेकिन ये चीज़ें हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना है, जिनके ऊपर स्टडीज़ हमें करनी है, एनवायरनमेंट है उसको हमें बचाना है, ताकि हमारी लिविंग जो है वो हेल्दी हो उसके फ्यूचर के अंदर। और सॉल्यूशन जहाँ से मिल रहे हैं, अब सारी दुनिया मोबाइल के ऊपर सब कुछ कर रही है, लेकिन मोबाइल जो है वो क्या है, वो एक इन्वेंशन है, वो एक साइंटिफिक टेंपर को अप्रिशिएट करने के बाद में उसका एक रिजल्ट है जो हमारे सामने आया है। अब कोई इस तरह की जो डिबेट पॉलिटिक्स की बातें हैं, रिलीजन की बातें, इन सब से कोई इंसान क्या मोबाइल इन्वेंट कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो हम जानते हैं कि ट्रूथ क्या है, किधर हमें अप्रिशिएशन मिलेगा, फिर भी हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो लोग पहले से जो लोग बेवकूफ़ हैं इस देश के अंदर अधिकतर, उनको और बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसलिए कल परसों एक आर्टिकल आया था पॉपुलिज्म का, तो पॉपुलिज्म की दिक्कत क्यों है इस देश के अंदर, खासकर जहां पर लोगों को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, ऊपर उठाने की जरूरत है, उनको हम दिशा देने के बजाय जिस परेशानी के कारण वो पीछे हैं, जिन कमजोरियों के कारण, जिन अनअवेयरनेस के कारण, एजुकेशन कम होने के कारण, और जो उनके बिलीफ सिस्टम है, जो जिससे वो सोशल वीकनेसेस हैं, जो कास्ट सिस्टम है, इन सब की जो दिक्कतें उनके अंदर फंसी हुई हैं, जो उनके दिमाग में बैठी हुई हैं, जो उनके लाइफस्टाइल को गाइड करती हैं, उनको हमें चेंज करने के बजाय हम उनको ओवर अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनकी बातें उन्हीं से कर रहे हैं ताकि वो लोग उनको लगे कि हाँ हमारी जैसी बातें कर रहा है। तो एक तो वो लोग खुद पीछे हैं, तो उनको आगे की डायरेक्शन दिखाने के बजाय हम उन्हीं की बातें करते हैं और फिर वैसी स्कीम चलाते हैं और फिर उनसे वोट लेते हैं। इसका मतलब हम पॉपुलिज्म को के सारे अगर इस देश को चलाएंगे तो ये देश सच में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को तो वो तो प्रॉब्लम में है लेकिन उनको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम में है क्या, लेकिन हाँ वो परेशान जरूर हैं। तो उनको गाइड करने के बजाय, उनको ऊपर लेके जाने के बजाय हम उन्हीं की बातें उनसे कर रहे हैं, पॉपुलिज्म की बातें। तो धर्म जो इस देश के अंदर जो एक इशू है ना, वो ये इशू है, ये पॉपुलिज्म का इशू है कि लोग उसमें ओवर बिलीव करते हैं, लोग अंधविश्वासी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधविश्वास की बात करो, उसको अप्रिशिएट करो और फिर उसको जो है आगे इस देश की ट्रेजेक्ट्री बनाओ,
तो दिक्कत यह है कि ये हर चीज इंपैक्ट करेगी आपके सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंपैक्ट करेगी, आपके देश के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो हर चीज हो, उसको वो इंपैक्ट करने वाली है। लोगों को एजुकेशन देने के बजाय, उनको स्किल देने के बजाय, अगर हम उनको इस चीज के ऊपर ज्यादा, उनका 24 घंटा का जो अधिकतर पार्ट है वो इस चीज के अंदर ज्यादा जाएंगे कि किस नेता ने क्या बोला है, कि वो क्या कैसी कौन सी बातें कर रहा है, वो कौन से धर्म का दुश्मन है, वो कौन से इस तरह की बातें कर रहा है, तो मतलब हम जानबूझ के इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब वो ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, ये सारी पार्टीज की बात है। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जो बार बार आप लोग मुझे बोलते हो, कई बार कुछ लोग बोलते हैं, मैं किसी कांग्रेस का लेफ्ट का कोई सपोर्टर नहीं हूं, नहीं मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूं, मैं इस टेंडेंसी के अगेंस्ट हूं जो कि इस देश को बेवकूफी की तरफ ले जाती है, और जो जो उस चीज में इन्वॉल्व है मैं उनका विरोध करता हूं पूरा पूरा। तो इसलिए ये जो एक चीज है वो समझिए। अब मैंने आइंस्टाइन की बात की थी आपसे, मैंने आपसे बात की थी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो पॉजिटिव हैं दुनिया को, पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं इस दुनिया को। आप सोचिए आइंस्टाइन अगर आए और वो कभी इस देश के अंदर रैली में जाएगा, या फिर वो एक बार आज के दिन जो हमारे देश के अंदर जो रोडे हैं वहां पर वो घूमेगा, एक बार वो चारों तरफ एडवर्टीजमेंट देखेगा, वो बातें सुनेगा लोगों की, हर पार्टी की बातें सुनेगा, एक से कार्टून भरे पड़े हैं हर पार्टी के अंदर, वो क्या बातें कर रहे हैं, मतलब एक बार वो उनकी बातें सुनेगा तो वो क्या सोचेगा। 1915 में उसने एनर्जी और मास कंजर्वेशन की जो इक्वेशन दी थी, एटम बम बनाए थे, वो सोचेगा कि यार ये लोग क्या हैं, मतलब आज हम उससे 114 साल बाद में और किस तरह की बातें हम कर रहे हैं। सोचिए उस टाइम पर हमने क्या सीखा, मतलब इतने 100 सालों में हमने क्या प्रोग्रेस किया, हमने कौन से तरीके अपनाए, और कई चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं किसी तरह से। दुनिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा मेंटल पेशेंट है दुनिया के अंदर, इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंड लोग हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा दिव्यांग लोग हैं, हम किस तरह से हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की, क्या सोल्यूशन हम उनको दे रहे हैं। हम रिसोर्सेज के एक्सप्लोइटेशन की बात है, आज के दिन एक दुनिया में नए सोल्यूशन ये है कि रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करती है जो पॉपुलेशन है दुनिया की, तो उसका बेस्ट तरीका है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे लेके आइए, इस तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए कि हम कम रिसोर्सेज से अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। ठीक है, सोलर सिस्टम है, वो क्या है, वो एक इन्वेंशन है। सोलर सिस्टम का यूज करके हम सन की एनर्जी जो फ्रीविली अवेलेबल थी उसको हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 40% का अगर हमारा टारगेट है, देखिए कितना अच्छा टारगेट है, 40% का एनर्जी मिक्स का टारगेट है हमारा, तो वो साइंस के ऊपर बेस्ड है, वो धर्म के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो ये जो डिबेट्स हैं, जो एक टेंपर क्रिएट करती हैं, जो ऑरा बनाती हैं, जो एम्बियंस बनाती हैं इस देश के अंदर, वो देखिए आप हम किधर लेके जा रहे हैं। 40% एनर्जी का मिक्स है, इसके ऊपर कोई डिबेट आपने सुनी आज तक कोई प्राइम टाइम के ऊपर? कितना इंपॉर्टेंट मिशन है कि हम कन्वेंशनल जो फ्यूल यूज करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एमिशंस निकलते हैं, इससे इतने ज्यादा मतलब हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, इससे कैंसर होता है, सीओपीडी होता है, उसकी बजाय हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, उससे गाड़ियां चलेंगी, ये सॉल्यूशन है दुनिया के। तो ये क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग जो हमारे पास रिसोर्सेज है उन्हीं को हम बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? अब वो तो साइंस से पॉसिबल हुआ ना, वो धर्म से पॉसिबल थोड़ी हुआ है, वो किसी की तपस्या थोड़ी वो बाहर निकला है वो इनोवेशन। तो ये है बातें, ये इश्यूज हैं जो सोल्यूशन देते हैं, लेकिन हम क्या कर क्या रहे हैं, हम इनकी बजाय इन सब रिसोर्सेज जो हम वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनकी बजाय इनको हम इसमें लगा सकते हैं और हम लोगों को दिशा भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि वो जो हमें लीड कर रहे हैं इन पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं वो बेवकूफ हैं, और जनता बेवकूफ है इसलिए लोगों से लोगों को चुन रही है, और मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये चीज सच है। हम किन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम किन पे ऑफेंड हो रहे हैं, कि हम किन बातों में, कुछ पोस्ट जैसे डालते हैं कुछ समझदार लोग हैं उनको लोग काउंटर करना शुरू कर देते हैं किन बातों को लेके, क्योंकि वो उनका विरोध कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स में से बात है। अब जो समझदार लोग हैं वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका विरोध कर रहे हैं जो लोग जानते हैं कि हमें करना क्या है, हमें करना ये सॉल्यूशंस हैं, हमें इसको अप्रिशिएट करना है देश के अंदर जो सॉल्यूशन देगा, इस ट्रेजेक्टरी पे हमें आगे लेके जाना है, इसी से हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट अप होगी, इससे हम रियल में सुपर पावर बनेंगे। लेकिन उसके बजाय हम जब जिस तरह की बातें बेवकूफ बनाने वाली बातें कर रहे हैं, इसलिए उनको गुस्सा आता, इसलिए उनको ये लगता है कि ये क्या सारे जो एफर्ट उनको मिट्टी में मिला देते हैं, जो इसरो के साइंटिस्ट कर रहे हैं उसको सारे को मिट्टी में मिला देते हैं इस तरह की बातें, क्योंकि वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसिस के लिए, और यहां पर कैसी बर्बादी वो देखते हैं पैसे की और रिसोर्सेज की, और किस चीज के लिए, नॉनसेंस चीजों के लिए, कोई सोल्यूशन नहीं है, वो बस एक टेम्पररी एक त्यौहार बनाया एक तरह से हमने, और उसका कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह के इलेक्शंस का भी कोई मतलब नहीं दिखता है जब हम ऐसे ही लोग चुनते हैं, हमारे पास अवेलेबल ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं हर पार्टीज के अंदर, ऐसे ही कैंडिडेट्स अगर हमें अवेलेबल हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, इसका मतलब ये वेस्टफुल एक्सरसाइज है एक तरह से। इसलिए ये चेंज करना जरूरी है, और हर आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेंपर को अप्रिशिएट किया गया था रिलीजन की बजाय,
इसलिए हमने ये बात की थी कि हम कोई पर्टिकुलर इन चीज़ों को वो नहीं रखेंगे, और हमने जो जरूरी चीज़ थी उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया था कि हाँ रिलीजन को सबको अपना प्रोफेस करने का अधिकार है, इसलिए हमने उसको फंडामेंटल राइट बनाया। लेकिन वो इंडिविजुअल उस पर रहेगा, स्टेट किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा, इंडिविजुअल तक रहेगा वो कभी उसके नाम पर जो आस्था जहाँ पर है, आस्था एक अच्छी चीज़ है, आस्था रखिए, लेकिन उस आस्था का ढोंग मत कीजिए, उसका ड्रामा मत कीजिए, क्योंकि ये इस चीज़ ने ही इस देश को बर्बाद किया था और हजार साल तक हमें पीछे रखा था पूरी दुनिया से। आज हम दोबारा उन तरीकों पर चल पड़े हैं, हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें नहीं कर रहे हैं इस देश का यूथ आप देखिए, और वो स्पेशली वो यूथ हैं जो सच में बेवकूफ़ बने हैं। छोटे शहरों के अंदर जो कॉलेजेस खुली हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, जो लोग पैसा खिला खिला के और फर्जी का लाइसेंस लेके आ गए, और उन्होंने न तो कोई जॉब दी किसी को, न उन्होंने कोई अच्छी एजुकेशन दी किसी को, और वो सारे जो यूथ हैं आज के दिन फेसबुक पे बैठ के और ऑफेंड हो रहे हैं कि किसने कैसा कैसा बोल दिया। वो जस्टिफाई करने में लगे हुए उन पॉलिटिशियंस को जो सच में इस देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जहां करना हमें ये चाहिए और बात किस चीज़ की कर रहे हैं। हमें डिबेट्स में बात करनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो, हमारे अंदर जो एनसीडीज के हमारे टारगेट्स हैं जो इस देश को खा जाएंगे, कैंसर, सीओपीडी, डायबिटीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो इस देश की जनसंख्या को खा जाएंगे, उनके लिए हम क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए हम फंड कहां से इकट्ठा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेट्रो ट्रेन की, जिसका कोई मतलब ही नहीं इस देश के अंदर। मेट्रो ट्रेन का क्या मतलब है इस देश के अंदर? अभी हमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लेके आए थे, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को बहुत अप्रिशिएट करना है क्योंकि वो बहुत फास्ट मूवमेंट है लोगों का, लोग जहाँ एक घंटे में पहुंच सकते हैं वहां पर हमें वो अप्रिशिएट करना है, हमारे रोबस्ट सिस्टम करना है ट्रेन्स का और इन सब चीज़ों का। बुलेट ट्रेन एक चीज़ है लेकिन वो आज से कुछ साल बाद में उसकी नीड होगी, तब हम उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे कि हम उसको अप्रिशिएट करें, वो गलत चीज़ नहीं है। लेकिन आज जिस टाइम पर जो उसकी बात की जा रही है और बेसिक चीज़ को, इशूज़ को इग्नोर करके उसकी बात की जा रही है, वो दिक्कत वाली बात है। एयरलाइन इंडस्ट्रीज डूब रही हैं, क्यों? क्योंकि वो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, अब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है उनके लिए इतनी एयर कम टिकट रख के और वहाँ पर सर्वाइव करना। दुनिया में सबसे कम जो एयर फेयर्स हैं देखा जाए तो कंपैरेटिवली, बहुत इंस्टांसिस पे ऐसा देखा जाता है, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनको हम अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए फंड अवेलेबल करवा रहे हैं, हम उसके लिए फंड अवेलेबल करवा सकते हैं लेकिन हम क्रूशल बेसिक चीज़ों के लिए फंड अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। फंड्स हैं हमारे पास, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं आप ये देखिए। एजुकेशन के अंदर देखिए आप फंड्स की जो इश्यू है, फंड्स हैं लेकिन उनके ऊपर चेक नहीं है। सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, हम करप्शन को चेक कर सकते हैं लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। हम ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी, हम जब लाखों करोड़ों रुपए हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के ऊपर, हम लाखों करोड़ों रुपए हम रैलीज के ऊपर खर्च कर सकते हैं लेकिन हम जो है ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी लास्ट माइल तक नहीं पहुंचा पाए हैं इस 21st सेंचुरी के अंदर भी, जहां डेवलप्ड देशों के अंदर 70-80% 90% तक लोग ब्रॉडबैंड के यूजर्स हैं, इस देश के अंदर नहीं हो पाता। लेकिन सर्विसेज कमजोर हैं, टूट गया कनेक्शन 10 दिन तक ठीक ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी के आज हम गोल पूरे कर रहे हैं और अच्छी बात है कि हमने जो गोल बनाए हैं, इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मूव मैं मानता हूं कि जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो टारगेट्स किए हैं वो पूरे हुए हैं, एलपीजी हैं, इन सब की जो बातें हैं ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन फिर भी जो करना चाहिए, जो आज के दिन हो, जो कर लेना चाहिए था, हमें ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पहुंचा देनी चाहिए थी हर गांव तक, उससे अपने आप ही बहुत सारे सॉल्यूशन निकल पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ही सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे क्योंकि करप्शन का इश्यूज होते ही नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए साइंटिफिक टेंपर है, इसलिए आप एक पूरा ऐसे लिख सकते हो साइंटिफिक टेंपर के ऊपर कि क्या नीड है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको 5 घंटे तक बोल सकता हूं लेकिन लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत है। और प्लीज़ इस बात को ठंडे दिमाग से सोचना कि मेरा मैसेज क्या है, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, और ये संडे सेशन में आपको मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का एक पैशन बनाइए, वो नीडेड है आपके अंदर। जब आप इस सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिस आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप ये बेवकूफ़ी की बातों के ऊपर ऑफेंड होना बंद कर दो कि जो कांग्रेस ने क्या कहा, ये किसका सपोर्टर है, ये सब मिलके और ड्रामा कर रहे हैं, ये खुद इनएफिशिएंट लोग हैं सारे और आप सबको भी इनएफिशिएंट बना के रखना चाहते हैं। तो जो लोग समझदार हैं, जो एबल हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस देश के अंदर, और उनको ये पॉइंट आउट भी करना पड़ेगा कि कौन आपको पीछे रख रहा है इस देश को और कौन आगे लेके जा रहा है, उनको अप्रिशिएट भी करना है। अब जो मैं जैसा मैंने बताया, साइंस को अप्रिशिएट करेंगे तब सॉल्यूशन मिलेंगे, और जो बेवकूफ़ बना रहे हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे तब सॉल्यूशन निकलेगा, वरना तो फिर यही चलता रहेगा कि हाँ वो बंगाल में क्या हो रहा है उसके लिए आपने कुछ नहीं बोला और आपने इसके ऊपर कैसे बोल दिया। सारी ही पार्टीज ऐसी है, तो एक पार्टी की बात नहीं है। आज के दिन जिस तरह से जो बिहेव कर रहे हैं सब लोग, वो ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया में सबसे बेवकूफ़ लोग इस देश में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस बात के ऊपर आपसे वोट मांग रहे हैं, किन बातों के ऊपर आपसे वादे कर रहे हैं, क्या किस तरह की बातें इस देश में हो रही हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए उस टाइम पर कि आइंस्टाइन अगर इस देश को देखेगा ऊपर से तो वो क्या सोच रहा होगा।
तो सॉल्यूशन जो है वो तो साइंस से ही आएगा, इसलिए इस साइंटिफिक टेंपर के ऊपर आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, टाइम की कमी है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओलिव राइडली टर्टल जो हर साल आते हैं और वल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN के अंदर वल्नरेबल, ये क्या करते हैं, जो फीमेल्स आती हैं वो हजारों किलोमीटर दूर पार करके और जो गैड माता बीच है, देखिए ये रहा ओडिशा के, यहाँ पर जो सेंचुरी भी है पूरा, ये नेशनल पार्क भी है एक, यहाँ पर है सिमली पार्क नेशनल पार्क ये है, और ये भितरकनिका वाला है, रिवर आती है यहाँ पर, ये ब्राह्मणी रिवर है, बैतारणी रिवर है, फिर ये महानदी रिवर आती है, ये चिलिका लेक है, इधर एक ऋषिकुल्या लेक है, सॉरी ऋषिकुल्या रिवर है इंडिपेंडेंट, जो सीधी जाती है बे ऑफ बंगाल में और यहीं से निकलती है, इसके बीच के ऊपर भी आते हैं ओलिव राइडली टर्टल्स। तो ये फीमेल आती हैं, फिर ये वहाँ बीच के ऊपर अंडे देती हैं, जमीन में छुपा देती हैं, फिर ये जब पैदा होते हैं अंडे से बाहर निकलते हैं तो एक साथ ये सारे के सारे, और ये वापस समुद्र की तरफ जाते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं एरिबाडा। ये जो वापस जब कलेक्टिवली जा रहे होते हैं, ये जा रहे हैं इधर वापस से ओशन की तरफ जा रहे हैं ये, तो ये एरिबाडा कहलाता है। तो ये एक कलेक्टिव मास नेस्टिंग है और ये इस तरह से जाते हैं, तो ये सिस्टम आपसे पूछ सकते हैं। ओलिव राइडली टर्टल हर साल ये आते हैं और खासकर पैसिफिक और जो इंडियन ओशन उसमें मिलते हैं, और ये जो पैसिफिक राइडली टर्टल भी इनको बोलते हैं सी टर्टल, सेकेंड स्मॉलेस्ट होते हैं दुनिया में, सेकेंड स्मॉलेस्ट कैटेगरी है टर्टल्स की, ठीक है, और लार्जेस्ट मास नेस्टिंग इनकी देखी जाती है। इंडिया के बाद में पूछ सकते हैं, इंडिया तो फेमस है इसके लिए, जो गैड माता बीच है वो तो फेमस है दुनिया में, इसके बाद मेक्सिको और कोस्टारिका, ये सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इनकी नेस्टिंग साइट्स हैं, और भी हैं लेकिन ये तीन सबसे बड़ी हैं दुनिया में, ठीक है। और ये वार्म वाटर्स में मेनली ये मिलते हैं। ये मैप आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, ये मैप जरूर से देखिए। ये जो रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, खासकर जो ईस्टर्न घाट की रिवर्स हैं, मैप में आज उनको ढूंढिए, उनकी कौन कौन सी इंडिपेंडेंट जा रही हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरीज बना रही हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और किस तरह से मिल रही है, उनके आसपास कौन से लोकेटेड है। जैसे महानदी की बात करें तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व इसके ऊपर लोकेटेड है। इधर बात करें इन रिवर्स की, तो ये यहाँ पर अब्दुल कलाम आइलैंड है, जो भितरकनिका से आगे थोड़ा सा अब्दुल कलाम आइलैंड है, जिसको पहले क्या बोलते थे, व्हीलर आइलैंड बोलते थे, जहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जो मिसाइल्स वगैरह यहाँ पर टेस्ट होती हैं, सारी मिसाइल्स यहाँ पर टेस्ट होती हैं, और रॉकेट्स जो हैं उनका एक्सपेरिमेंट होता है श्रीहरिकोटा में, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर है, वैसे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंतारिस रॉकेट और सिग्निस कार्गो, ये बड़ी गजब की चीज़ है, ये अभी भेजे हैं नासा ने ही। एंतारिस रॉकेट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट कार्गो लेके गया है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होंगे, इसके अंदर 30 जो है लाइव 40 लाइव चूहे हैं इसके ऊपर, इन बॉक्सेस में रखे गए हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे, आधों को टेटनस का वैक्सीन दिया जाएगा, आधों को नहीं दिया जाएगा, फिर ये देखा जाएगा इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है ये स्पेस से वापस आते हैं। तो अभी एक और चल रहा है कि स्कॉट केली है, उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कि जो ट्विन हैं उनके भाई हैं, तो ट्विन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उनकी हेल्थ पे क्या फर्क है, इनकी हेल्थ पे क्या फर्क है, देखिए कैसी कैसी स्टडीज दुनिया में चल रही हैं, कौन से देश कहाँ कहाँ की बातें लेके जा रहे हैं। सोचिए अगर पूरा देश ही इस तरह से, मतलब हर इंसान इस तरह से अवेयर हो, इस तरह से इंटरेस्ट ले इन चीज़ों के अंदर, तो कहाँ ये देश चला जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो किस तरह का बिलीफ सिस्टम रखती है, हमारे अंदर देश के अंदर आज भी कास्ट की और कैसी कैसी बातें होती है, मतलब जो रिजर्वेशन का इशू है, कितना ही रिग्रेसिव एक इशू है, लेकिन वो कास्ट है इसलिए रिजर्वेशन है, और वो सोसाइटी में दिक्कत है इसलिए वो चीज़ आई है। अब देखिए हमें सोल्यूशन मिल सकते हैं, रॉकेट साइंस है, हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि स्पेस के अंदर टेटनस वैक्सीन का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं। हम ये भी कर रहे हैं कि मार्स तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या चीजें होती हैं, इस तरह की बातें हमें करनी है, इस तरह से हमें आगे लेके जाना है, और हम कहां फंसे पड़े हैं सोचिए, कैसे हम सुपर पावर बन पाएंगे। हर चीज को करेक्ट कीजिए, आप हर चीज को करेक्ट करेंगे तो आप बहुत शानदार ऐसे लिख पाएंगे, बहुत शानदार मीन्स के क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाएंगे। तो ये जो एंतारिस रॉकेट सिस्टम और सिग्नस कार्गो जो एक लेके गया है, ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है, हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को देखने के लिए, और एस्ट्रोनॉट्स के अलावा और भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए ये लेके गया है। तो साइंस के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट, मेडिकल साइंस के ऊपर, हेल्थ साइंस के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट एम्फेसिस है एंतारिस रॉकेट सिस्टम वाले इशू के अंदर। नेक्स्ट है म्यूलर रिपोर्ट। देखिए ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जिसमें ट्रंप जीते थे, उसके अंदर रशिया का क्या हाथ था, उसके ऊपर म्यूलर रिपोर्ट है, बहुत न्यूज में आ रही, तो पूछ सकते हैं आपसे म्यूलर रिपोर्ट क्या है। नेक्स्ट नेपाल ने नेपाली सेट भेजा, पहला अपना सेटेलाइट भेजा है, बहुत ही खुशी की बात है नेपाल के लिए। श्रीलंका ने भी अपना रावण वन भेजा है, इन्होंने नेपाली सेट वन भेजा है, और ये कहाँ डेवलप हुए हैं, ये बर्ड्स प्रोजेक्ट है, क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान का वो डेवलप कर रही है, और ये UN सपोर्टेड सिस्टम है कि इसमें जो छोटे देश है वो अपना पहला सेटेलाइट भेज सकते हैं, ठीक है।
तो आज का सेशन वैसे ही साइंस ही साइंस की बातें सारी हो रही है, साइंस के ऊपर सारा बेस्ड है और बहुत क्वेश्चन साइंस के ऊपर आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? यूपीएससी सॉल्यूशन गिविंग अप्रोच ढूंढता है और इस सारे माहौल के अंदर, पॉलिटिक्स के माहौल में, आप कितना पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो और वो साइंटिफिक थिंकिंग सबसे बेस्ट होती है, इसलिए साइंस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। पिछली बार जब 14 में चुनाव थे तब भी साइंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आएंगे, इसलिए साइंस को जरूर आप ध्यान देना। स्पेशली बर्ड्स प्रोजेक्ट है क्यूशु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, और नेपाली सेट नेपाल का है, रावणा वन जो है वो श्रीलंका का है, एक दिन भेजे गए सारे ये, तो इस तरह से होगा। लेकिन ये जो है अमेरिका ने भेजा है वहां के केप कार्निवल से, ये श्री हरिकोटा से इंडिया ने नहीं भेजा, तो ये गलती मत कर देना, इसलिए ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा, बर्ड्स प्रोजेक्ट याद रखना। नेक्स्ट, इंडिया और यूएसए ने अभी कंडक्ट करेंगे वरुणा, नहीं इंडिया और यूएसए नहीं, इंडिया और फ्रांस कर रहे हैं, फ्रांस की नेवी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा देश है, यूएसए नहीं होगा, यूएसए अलग है हमारा, वो मालाबार एक्सरसाइज होती है इसमें ये सब भाग लेते हैं, ये वरुणा एक्सरसाइज है जिसमें हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब कि जो एयरक्राफ्ट को लेके जा सकता है, उनको लैंड ऑफ लैंडिंग और टेक ऑफ भी करवा सकता है, वो INS विक्रमादित्य है हमारा, ठीक है। और ये MiG-29 के फाइटर्स जो है वो भी हम डिस्प्ले करेंगे, फ्रांस हम अपने जो है राफेल विमान लेके आएगा इसके अंदर, ठीक है। वरुण एक्सरसाइज होगी और गोवा कोस्ट के ऊपर होगी अर्ली मे में, तो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला गलत है क्योंकि ये इंडिया और फ्रांस है। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देखिए राजस्थान का इंपॉर्टेंट राज्य पक्ष भी है, इसको गोडाउन बोलते हैं, और ये काफ़ी दिक्कत में चल रहा है क्योंकि ये उसी एरिया में लिमिटेड है, जैसलमेर वाले जो एक इंपॉर्टेंट वहाँ पर नेशनल पार्क है डेजर्ट वाला, उसके अंदर ही मिलता है, पाकिस्तान के कुछ एरियाज में बोलते थे ये कुछ बचे हैं, कुछ गुजरात के अंदर भी बचे हैं, लेकिन वैसे ये एकदम एक्सटिंक्ट होने के कगार के ऊपर है, तो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है ये, गलत है, ये एक्सटिंक्ट नहीं, अभी 150 के आसपास इनकी जनसंख्या मानी जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बड़ी खतरनाक है इसके लिए, उसमें काफी फंस के डेथ हुई है, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन में नहीं देखा जाता। बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, पेड़ हैं उसके ऊपर छोटे कीड़े मकोड़े हैं उसके ऊपर, और कुछ बड़े इन कीड़े मकोड़ों खाने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर उनको खाने वाले कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और फिर जब ये बड़े वालों की कार्निवोरस की डेथ होगी तो फिर ये हाईएस्ट जो प्रेडेटर्स होते हैं, बड़े शिकारी होते हैं, इनकी जब डेथ होगी तो उनको कौन खाएगा? गिद्ध खाते हैं जैसे, तो गिद्धों के अंदर क्या चीज़ देखी जाती है? मान लीजिए कोई पोल्यूटेंट है, वो पेड़ पौधों की जड़ें एब्जॉर्ब कर रही हैं, फिर बहुत सारे पेड़ पौधों को खाते हैं ये वाले कीड़े, तो इनके अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उस पोल्यूटेंट का या केमिकल का, इसको ये बहुत सारे नंबर्स में ये खाएगा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, इससे ज़्यादा मिलेगी इसके अंदर, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट किस में मिलेगी? जो इनको खा रहे हैं लास्ट में, जैसे गिद्ध खाता है, वल्चर्स खाते हैं, तो ये बढ़ता गया है इसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर इस केमिकल का, ठीक है। तो ये होता है बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफाई होना, बड़ा होना, और जब ये एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर, आसपास के एनवायरनमेंट से उसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, और जब ये बढ़ता जाता है ट्रॉफिक लेवल में तो ये होता है बायो मैग्निफिकेशन। तो जो डाइक्लोफिनेक्स सोडियम है, जो दर्द के लिए दी जाती है, जो जानवरों को भी खूब दी जाती थी, वो मिलती, उसके कारण कौन बर्बाद हो गए, खत्म हो गए? वल्चर्स इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर, उनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई क्योंकि वो डाइक्लोफिनेक्स सोडियम का बायो मैग्निफिकेशन उनकी बॉडी में हो रहा था, ठीक है। तो ये इश्यू था और इसके कारण ये डेथ होती है, लेकिन इसके अंदर गोडाउन जो है वो हाईएस्ट कोई प्रेडेटर या फिर वल्चर्स की कैटेगरी वाला जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं डेड मटेरियल्स के ऊपर, वैसा ये पक्षी नहीं है, नॉर्मल पक्षी है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बड़ा पक्षी होता है, और ये बायो मैग्निफिकेशन इसके ऊपर लागू नहीं होता, इसलिए सेकंड गलत है और पहला भी गलत है क्योंकि ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार, वो मैंने कुछ कंपाइलेशन किया और ये आगे कंटिन्यू भी रहेगा। मैंने आपसे यूट्यूब वाला बोला था लेकिन अभी तक उसका जो एक क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है क्योंकि स्टडी IQ जो है वो चैनल के ऊपर मुझे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, उसका क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग से क्वेश्चन बना के आपको दूँ, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आया कि उसका एक्सप्लेनेशन कैसे वो मिलेगा, तो जल्द ही क्लियर हो जाएगा, मैं आपको मैसेज उसका दे दूंगा। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि जब भी उसमें वीडियो आए तो वो आपको मिल जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जो कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ और प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैटर है वो मैं चाहता हूं कि आपकी हेल्प मैं करूं प्रीलिम्स से पहले, तो आई एम सॉरी मैं बहुत लेट हुआ उसके अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिली है उसके लिए, ठीक है। तो अब इनको डिस्कस करते हैं हम, देखिए जल्दी जल्दी चलेंगे, एक क्वेश्चन पक्का इस बार आने वाला है इस जो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर जो रिजर्वेशन दिया गया था इसके ऊपर, ये 103 अमेंडमेंट एक्ट था और बिल था 124, बिल और एक्ट में डिफरेंस ये है, बिल पास होता तो ही एक्ट बनता है, इसलिए एक्ट अमेंडमेंट वाला 103 है, 124 बिल था।
इसमें ये लिमिट थी 8 लाख वाली, 5 एकड़ जमीन वाली, 1000 स्क्वायर फीट वाला रेजिडेंशियल हाउस वाली, और जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी है वहां पर तो 1000 यार्ड का अगर आपके पास जमीन है, या फिर अननोटिफाइड है तो 200 यार्ड का अगर आपके पास है, तो ये इनसे ऊपर अगर आपको तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इनसे नीचे हो तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आप आओगे, और अधिकतर जनसंख्या 90% से ऊपर इसमें आ गई है, तो कितना इसका मतलब है वो अलग बात है। लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स क्या है, आर्टिकल 15 ये बोलता है कि इन बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए इसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी थी, और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों रेटिफाई करेंगे, और इसमें स्टेट्स का भी प्रोविजन है, इसलिए फेडरल फीचर है इसके अंदर, इसलिए जहां पर फेडरल फीचर होता है वहां पर हाफ ऑफ द स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करेंगे। अगर हाफ पास कर देते हैं, मतलब कि अभी 29 हैं तो 15 पास कर देते हैं और सिंपल मेजोरिटी से, तो वो पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। आर्टिकल 46 जो है वो डीपीएसपी में है, और वो ये बोलता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर वीकर सेक्शन, या फिर कोई भी अदर वीकर सेक्शन में कोई भी आ गया, जनरल कैटेगरी भी आ गई लेकिन वो वीकर है इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर है, तो उनके लिए भी स्टेट जो है उठा सकता है स्टेप्स, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये स्टेप उठाया है, आर्टिकल 46 को इन्होंने एम्पावर किया। 46 ये जो डीपीएसपीज हैं वो लागू नहीं हो सकते हैं, एनफोर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको लागू कराने के लिए लॉ लाए जाते हैं, लॉ के थ्रू उनका एनफोर्स कराया जाता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन था। अब वो उसकी बात की गई थी, पंचायती राज की बात की गई थी आर्टिकल 40 के अंदर डीपीएसपीज में, लेकिन वो लागू नहीं करवाए जा सकते थे, फंडामेंटल राइट्स की तरह वो एनफोर्सिएबल नहीं है, इसलिए लॉ लाए जाते हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए, तो उनके लिए रेस्पेक्टिव लॉ लाए गए हैं। आरटी एक्ट आया था, पंचायती राज जो इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, 73 अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो ये इनको एनफोर्स कराने के लिए थे, तो आर्टिकल 46 में इसमें चेंजेस किए गए हैं इसको लाने के लिए भी। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स जो हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी होगा और प्राइवेट वाले के अंदर भी होगा, ठीक है, प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी होगा, तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि अकेले गवर्नमेंट में ही ये नहीं मिलेगा एजुकेशन के लिए। और जॉब्स जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, दोनों के अंदर ही है। एडमिशन जो है वो प्राइवेट हायर एजुकेशन में भी होगा, यहां पर जॉब्स के अंदर नहीं है रिजर्वेशन, ये देखना आप। अभी एक और क्लेरिफिकेशन आ गया कि कोई एज वगैरह उनके अंदर चेंज नहीं होगा, तो फिर ये विरोध उठ रहा है कि मतलब फिर इसका मतलब क्या है रिजर्वेशन का, अगर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो। 15 आर्टिकल में चौथा जो है इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, देखिए वो ये बोलता है कि कोई भी इस आर्टिकल में जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 29 का, 29 में क्या है, रिलीजियस जो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल जो एस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है, और उनके लिए जो स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है, अगर बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए एडवांसमेंट करता है स्टेट तो वो इसको प्रिवेंट नहीं करेगा आर्टिकल 29, ठीक है। तो ये बहुत डीप मीनिंग जो पॉलिटी है उसके स्टेटमेंट्स आने वाले हैं प्रीलिम्स के अंदर, बहुत स्पेसिफिक होते जा रहे हैं और वो समझ भी नहीं आते इतने आसानी से, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे, इंदिरा सानी केस इंपॉर्टेंट है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और जो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे इनको आपको देखना, ये पीडीएफ जो इसको आप पढ़ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल 15 के जो प्रोविजंस हैं ये एक एक ध्यान से पढ़ के जाना, लाइन इसकी ऐसी की ऐसी देते हैं ऑप्शन के अंदर, जैसे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी से एक ऐसी किसी लाइन आई थी टू अपहोल्ड द वैल्यूज वाला जो एक इंपॉर्टेंट जो ड्यूटीज में आता है, चौथे नंबर की जो ड्यूटी है उसको ऐसे का ऐसा ऑप्शन दिया गया था, उस पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था, अधिकतर लोगों ने गलत कर दिया था उसको प्रीएम्बल से रिलेट करके, तो वो ड्यूटीज वाला क्वेश्चन था, तो ऐसे कैसे प्रोविजंस आ जाते हैं, तो जो डिस्कस हो रहे हैं उसको पढ़ना आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी राइटिंग क्या है, तो आर्टिकल 15 के सारी राइटिंग आप पढ़ लेना, 16 की पढ़ लेना जरूरी इस बार। आर्टिकल 15 6 में ऐड किया गया था, ये अमेंड किया गया है आर्टिकल इस ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्वेशन को देने के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने के लिए ये अमेंड किए गए हैं, आर्टिकल 15 6 जोड़ा गया इसमें, और जो है इनको एम करता है अमेंडमेंट ये वाला कि रिजर्वेशन जो है जो 15-5 और 15-4 में जिनको नहीं मिला है, क्योंकि 15-5 और 4 में SC ST OBCs को मिला है, इसलिए इसमें 15-6 अलग से जोड़ा गया था जिनको इसमें नहीं मिल पाया था, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ही है और जो जनरल कैटेगरी से आएंगे। आर्टिकल 16-6 ऐड किया गया है इसके अंदर, और एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि इकोनॉमिकली जो वीकनेस है वो डिसाइड होगी बेसिस ऑफ फैमिली इनकम के ऊपर और अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के ऊपर।
अब इसके ऊपर जो आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लिखनी है मेंस के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारी शिकायतें क्या आ रही हैं, सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, सबसे बड़ा इशू क्या आने वाला है कि सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, किस तरह से कौन डिसाइड करेगा कि फैमिली इनकम इतनी है, सबसे बड़ा इशू है। इसलिए वही बात हो गई, प्रोविजंस को अनक्लियर छोड़ दिया। अब इसमें कैसे डिसाइड होगा, इतने बड़े देश के अंदर 90% जनसंख्या जब इसमें आ गई है इस कैटेगरी में, तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएगी कैसे, तो मतलब फिर से डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया। अब हजार तरह के करप्शन होने वाले हैं इसके अंदर, ये फैक्ट है, क्योंकि जो डिसाइड करने के लिए सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, अब वो किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि फैमिली इनकम तो हजार तरीके से आ सकती है, अब वो कैसे डिसाइड होगी, तो ये इसकी नेगेटिव एक्सप्लेनेशन में आएगा। पॉजिटिविटी ये है कि इनको इंक्लूड किया गया, जो बहुत बड़ी डिमांड थी बहुत लंबे टाइम से, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट है इसको डिसाइड कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट बनवाएं कैसे, किस तरह से, हमने लिख तो दिया ये चीज़ हम इस कैटेगरी में आते हैं, हम जानते हैं कि हम इकोनॉमिकली इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो लोग इसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उसके लिए, वो कौन देगा, किस तरह से देगा, वो किस बेसिस पे देगा, और वो डिसाइड कैसे होगा, ये बड़ा ही दिक्कत वाली बात है इसके अंदर। तो मेंस में आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखने होंगे। सबसे बड़े पहले इसकी बात स्टार्ट जो हुई थी वो एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में हुई थी, जहां ये आया था कि अबव 50% से ऊपर अगर लेके जाना है तो वो उसमें 16(1) सेक्शन जो है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था 10% रिजर्वेशन वीकर इकोनॉमिक सेक्शन के लिए, लेकिन उसको स्ट्रक डाउन किया गया था इंदिरा सानी केस के अंदर। तो ये आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कैसी बात, और उन्होंने ये कैप लगा दिया था। अब इसमें कोई लेजिस्लेशन उस टाइम पर नहीं स्पेसिफिकली जोड़ा गया था, इसलिए अब ये कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात बोली जा रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है 50%, तो ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोविजन कोई नहीं डाला गया था इंदिरा सानी केस के अंदर कि 50% से ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए ये लागू भी हुआ है। अब 15(4)(5) और 16(4) जो हैं वो मेंशन नहीं करते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो एक्सप्लिसिटली 50% तक ही वो रहेगा, बाय वे ऑफ लेजिस्लेशन इसको नहीं बोला गया, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन के अंदर कैंसिल किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको मेंशन करना है, और अगर ये आपको बात समझ में नहीं आती तो रिपीट करके सुन लेना जो मैंने बोला है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप प्रीलिम्स का पिछला उठा के देखोगे 17-18 का पॉलिटिक्स के पॉलिटी वाले क्वेश्चंस, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी ये डीप मीनिंग बातें क्यों कर रहा हूँ। इस बहुत कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं और इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस बार वो, क्योंकि ये बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 15-16 नॉर्मल आर्टिकल्स हैं लेकिन उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो इसके कारण आ गई हैं, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के कारण, तो आपको देखनी पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इंडियन रिम एसोसिएशन जो 22 मेंबर का है, इसके अंदर इंडियन ओशन वाली जो बॉर्डर कर रही हैं कंट्रीज, क्या वो सारी इसमें आती हैं 22? तो 22 कंट्रीज आती हैं, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम इसमें पूछ सकते हैं 28 तक जा सकती हैं, लेकिन 6 इसमें अलाउ नहीं है अभी, तो 22 हैं अभी प्रेजेंट में। इंडिया पाकिस्तान ने प्रपोज नहीं किया था, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने, मैंने आपको बताया भी था पहले भी ये चीज़, तो ये गलत हो जाएगा। साउथ अफ्रीका परमानेंट चेयर नहीं है, ये प्रेजेंट का चेयर है अभी, ये चेंज होता है, तो ये परमानेंट चेयर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा सी। साउथ अफ्रीका 2 साल के लिए अभी है, 20 तक, 2020 के बाद में यूएई के पास जाने वाला है ये चेयर जो अभी इसकी है, और ये आप पढ़ लेना सारा। कोऑर्डिनेशन जहां पर सेक्रेटरीट इसका है वो इबीन मॉरिशस में इसका है, जो परमानेंट है, मान लीजिए जो परमानेंट की अगर बात पूछे तो कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटरीट जो है वो सिर्फ इबीन मॉरिशस में है, इबीन इसकी कैपिटल नहीं है, कैपिटल पोर्ट लुइस है, इबीन में इसका है। इंडियन ओशन के रिगार्डिंग बहुत सारी इश्यूज आए हैं, इंडिया इंडो पैसिफिक विंग बनाई गई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में इस बार, इसलिए इससे बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और ये ट्राइपार्टाइट है नेचर में, IORA जो है ये गवर्नमेंट बिजनेसमैन और एकेडमिया तीनों को साथ में लेके आता है, तो ये पूछ लेंगे ट्राइपार्टाइट किस तरह से है। नेक्स्ट ये पिक बोथा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर से जिन्होंने इसको प्रपोज किया था 93 में, उसके बाद 95 में नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंशियल विजिट पे आए थे इंडिया में, तब ये और इसको सीमेंटेशन मिला था, और फिर 97 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था फॉर्मली, ठीक है। और सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बोल दी, 25 कंट्रीज जो हैं वो बन सकती हैं इसकी मेंबर्स, क्योंकि बात जब शोर से कनेक्ट होने की है, इंडियन ओशन की कोस्ट से टच होने की है, तो 25 कंट्रीज बन सकती है, लेकिन अभी 22 ही कंट्रीज हैं। पाकिस्तान को अभी मना किया गया है, बहुत टाइम से ये बोल रहा है कि मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, उसको मना किया गया है, ठीक है। मालदीव्स और म्यांमार ने अप्लाई किया था, जिसमें से मालदीव्स को अलाउ किया गया, म्यांमार को अलाउ नहीं किया गया है इसके अंदर, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के चलते, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, रोहिंग्याज वाला जो इशू था कि म्यांमार को नहीं दिया जाएगा, तो मालदीव्स को भी दिया गया है। और दुनिया का हाफ वर्ल्ड का कंटेनर शिप और 1/3 वर्ल्ड के बल्क कार्गो ट्रैफिक जो इधर से गुजरता है, ठीक है।
और ये छह इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसके ऊपर काम करते हैं। दो इंपॉर्टेंट और भी एरिया है, ब्लू इकोनॉमी और वुमेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये IORA से वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का क्या इशू है वो आपको बिजार लग सकता है, लेकिन यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। जैसे UNCCD के अंदर पॉवर्टी की बात की गई है तो वो लगता है कि इसके अंदर क्यों इसकी बात की बात होगी, लेकिन ये बात होती है। तो ये एडिशनल टू फोकस एरियाज हैं, ये आपको याद रखने हैं। मेंबरशिप 22 इनकी है और देखिए इसके अंदर आपको पाकिस्तान का नाम नहीं मिलेगा। ये डायलॉग पार्टनर्स हैं, बड़े देश जो हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। और अभी इंडिया ने जो किया है वो क्या किया है, एक तो इससे पहले ये हुआ था कि अमेरिका ने एशिया पैसिफिक डिवीजन को इंडो पैसिफिक नाम दे दिया है, ये आपको याद रखना है। जो पहले सिर्फ पैसिफिक कमांड होता था उसको इंडो पैसिफिक नाम दे दिया है, तो इंडिया का इसमें इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इसका रीजन ये भी है कि चाइना को काउंटर करना है, इसलिए इंडो पैसिफिक नाम दिया है उन्होंने अपने, यूएस ने अपनी पैसिफिक कमांड को। और जो एक दो तीन ग्रुप्स हैं वो इसमें मिलकर और इंडिया की जो इंडो पैसिफिक विंग बनाएंगे, ठीक है, वो क्या होगा देखिए, उसमें एक तो होगा IORA जिसकी बात हमने की है, एक आसियान है जो सब जानते हैं, 10 देश उसके अंदर हैं आसियान के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। आसियान प्लस 6 का आप याद रखना, प्लस 6 में कौन कौन है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है, जापान है और साउथ कोरिया है। तो ये आसियान प्लस 6 के मेंबर्स हैं और आसियान सारी इस तरह ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये सब इसमें आते हैं। तो वो भी इसमें शामिल होंगे जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक डिवीजन जो होगी जो अभी उन्होंने ओपन की है इसके अंदर। तो IORA आएगा, आसियान रीजन आएगा, एक क्वाड ग्रुप आएगा। क्वाड ग्रुप में कौन आता है, इंडिया आता है, USA आता है, जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, ये चार देश हैं जो क्वाड ग्रुप बनाते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था तो इसके ऊपर भी इस बार पूछ सकते हैं आपसे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको बोलते हैं, 2007 में ये शिंजो आबे ने प्रपोज किया था, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है और ये PDF में दोबारा से रिवाइज कर लेना। इंडिया आसियान रीजन की बात करें तो देखिए वही मैंने आपको बताया, छह देश हैं जो आसियान प्लस 6 बनाते हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है इंडिया आसियान का जो 2016 से 20 तक के लिए है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ था जिसमें 16 से 20 तक का ये एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी 2015 अगस्त के अंदर, तब ये डिसाइड किया गया था कि 16-20 के लिए और ये एग्रीमेंट होगा। और इंडिया सेक्टोरल पार्टनर बना था 1992 में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। 2002 में समिट लेवल पार्टनर बन गया था और डायलॉग पार्टनर 1996 से ही है इंडिया, तो डायलॉग पार्टनर से पहले ही वो सेक्टोरल पार्टनर बना था, उसके बाद डायलॉग पार्टनर बना, उसके बाद समिट लेवल पार्टनर बना है और 2012 के अंदर जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है इंडिया, इंडिया आसियान का, ये आप याद रखना, मेंबर नहीं है इंडिया, इंडिया आसियान प्लस 6 का पार्ट है और वैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हम 2012 के अंदर। तो अभी 25 साल हुए थे इसको 2017 के अंदर, उसके बाद से काफ़ी प्रमोट किया गया था, क्वेश्चन भी इसका पूछा गया था, ठीक है। RCEP एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो इन्हीं देशों के साथ में हमारा है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये PDF सारा रिवाइज कर लेना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारा है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो 10.5% जो है इंडिया का ओवरऑल ट्रेड वो आसियान के साथ हमारा है, ठीक है, सबसे बड़ा तो चाइना है फिर ये आसियान आता है। और अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो इंडिया में आया है 2000 के बाद में जो 18.28% जो टोटल का है वो आसियान कंट्रीज से आया है, ये आप याद रखना। और यहाँ से हमने जो किया है इन्वेस्टमेंट वो भी बहुत बड़ा है, तो वो सारा डेटा मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर अभी सेकेंड एडिशन हुआ था, आसियान इंडिया वर्कशॉप हुआ था, ठीक है, वियतनाम में हुआ था 18 जुलाई और 2018 में पिछले साल ही हुआ, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ब्लू इकोनॉमी और वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दो जो एडिशनल फोकस एरियाज हैं, तो उनमें से ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ये हुआ था, ठीक है, वो IORA का है। और दिल्ली डायलॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रैक का एक प्रोसेस है 1.5, ये क्या होता है, ट्रैक वन तो होता है वो प्रॉपर जो ऑफिशियल्स होते हैं देशों के जो मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं, ट्रैक टू होता है कि जो अलग से एकेडमिया या फिर और जो इंपॉर्टेंट जो लुमिनरीज है वो मिलती हैं, वो है ट्रैक पॉइंट, और 1.5 है उनके बीच का। नेक्स्ट इस बार क्वेश्चन आ सकता है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये था कि लैंकैंग तो मेकोंग को बोलते हैं चाइना के अंदर और ये आगे फिर मेकोंग रिवर बन जाती है, इन देशों से गुजरती है, इसका मैप में जरूर से आप देखना। छह मेंबर हैं इसके, ये सही है, ये शायद इसमें गलत कर दिया मैंने, ये ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 6 इसके मेंबर हैं और मीटिंग जो अभी हुई है वो हुई है जो एनुअल मिनिस्टरल मीटिंग जो आसियान की हुई थी उसके साथ ही हुई थी सिंगापुर के अंदर, 9th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग, ठीक है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट 5 वर्किंग ग्रुप्स हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे,
छह इसके मेंबर हैं, कौन कौन है, इंडिया है और थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का, इसमें चाइना का नाम नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक मेकोंग कमीशन बनाया था, उसको चाइना ने डिनाई किया है और एक नया लैंगकांग और मेकोंग के नाम से एक नया कमीशन प्रपोज उसने किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पूछ लेंगे लैंगकांग जो है वो कहाँ पर है, तो ये मेकोंग को ही बोलते हैं चाइना के अंदर। और देखिए ये इंडिया है, ये इरावती रिवर जो दिख रही है ये म्यांमार की है, बीच में म्यांमार आता है, उसके बाद में ये म्यांमार के बॉर्डर के साथ साथ में ये निकलती है और म्यांमार और लाओस का और बॉर्डर भी बनाती है ये रिवर मेकोंग। और फिर ये इधर थाईलैंड है और ये लाओस से गुजरती हुई पूरा ये थाईलैंड और लाओस का इम्पोर्टेंट बॉर्डर बनाती है, बहुत लंबा। और फिर ये यहाँ पर कंबोडिया है और फिर लास्ट में ये वियतनाम में निकल के साउथ चाइना सी के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना। अब और भी बहुत सारा डेटा, लेकिन टाइम की लिमिट है, इसलिए PDF मैं आपको दे रहा हूँ और वो आप सारा पढ़ लेना, सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।